शर्मा। शहर में अवैध कब्जाधारियों का खेल जोरों पर है। शहर की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लाखों करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला है नगर निगम क्षेत्र के रिश्ती में, जहां मुक्ति धाम पर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 रिश्ती में इन दिनों ग्रामीण बगावत के सुर में है। दरअसल देबू द्वारा जिस जमीन में 2.5 एकड़ जमीन मुक्ति धाम के लिए आवंटित किया गया था, कुछ वर्ष बाद यहां विवेकानंद नामक संस्था ने कब्जा प्रारंभ कर दिया। जब लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की तो पटवारी मौके पर पहुंची और जमीन की नापजोक शुरू की। वार्ड पार्षद का कहना है कि विवेकानंद स्कूल का बोर्ड लगाकर मुक्ति धाम की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। मौके पर नापजोक करने के लिए पहुंची पटवारी का भी मानना है कि उनके अभिलेख में ऐसे किसी संस्था का नाम दर्ज नहीं है। वे भी स्वीकार कर रही है कि मुक्ति धाम की जमीन पर बेजा कब्जा किया जा रहा है। शहर में खाली जमीन पर बेजा कब्जा की हो नई बात नहीं है, पर मुक्ति धाम पर ही अवैध कब्जा हो जाए तो मुर्दे कहाँ जाएंगे। कलेक्ट्रेट में शिकायत किए जाने के बाद प्रशासन ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है, जहां प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच जांच कार्रवाई शुरू की है और घटनास्थल पर पंचनामा कार्रवाई कर जब्ती की कार्रवाई की गई। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज।